गाइस उसोस ब्रदर के अटैक के बाद रोमन रिंग्स का क्या होने वाला नेक्स्ट मूव, और गाइस मनी इन द बैंक इनका मैच कंफर्म हो चुका है, और गाइस समर स्लैम में इनका क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो गाइस आज WWE ने मैच ऑफिशियल कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने एक सिविल वॉर का एक पोस्टर डाला है, उसमें हमारे रोमन रिंग और सोलो सिको दिख रहे हैं और उसमें उसोस ब्रदर दिख रहे हैं और उसमें मनी इन द बैंक का बिल्कुल कंफर्म मैच होता है वो दिख रहा है। और गाइस इस सिविल वॉर मैच से उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि घर के अंदर की लड़ाई को हम सिविल वॉर कहते हैं, और गाइस उस वजह से काफ़ी ज़्यादा उनका आज ट्रेंडिंग में चल रहा है टॉपिक। और गाइस ये मैच बहुत जल्दी कंफर्म हो चुका है, मतलब ऐसा देख के लग नहीं रहा था कि मनी इन द बैंक में इनका मैच होगा, पर मनी इन द बैंक में कंफर्म होगा, काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि ट्राइबल चीफ रोमन रिंग का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला। तो गाइस अगले हफ्ते की जो स्मैकडाउन होने वाली ना गाइस, उसमें रोमन रिंग प्रमोट भी नहीं है, और उनका ये शेड्यूल दिख रहा होगा आपको अभी स्क्रीन पर गाइस, इस शेड्यूल के हिसाब से भी रोमन रिंग बिल्कुल अगले हफ्ते नहीं आने वाले स्मैकडाउन पर। तो गाइस वो आएंगे डायरेक्ट लंदन की स्मैकडाउन पर जो होने वाली है मनी इन द बैंक से एक दिन पहले। पर जब भी हमारे रोमन रिंग आएंगे गाइस, तो उनका नेक्स्ट मूव यही रहेगा कि गाइस वो जे उसो और जिमी उसो को पर इस बार तो अटैक कर ही देंगे, क्योंकि गाइस वो दो बार से तो सिर्फ जे उसो को डिसीजन के लिए रुके हुए थे, और गाइस अब वो बिल्कुल खतरनाक वो अनलीश होने वाले हैं बिल्कुल हमारे उसोस ब्रदर के ऊपर। तो गाइस चलते हैं हमारे फाइनल न्यूज़ की तरफ कि गाइस समर स्लैम में क्या रहेगा रोमन रिंग का, मतलब ब्लड लाइन का फ्यूचर। तो गाइस समर स्लैम में भी इनका मैच हो सकता है, गाइस समर स्लैम में भी इनका मैच हो टैग टीम मैच वाला। हाँ गाइस इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि गाइस मनी इन द बैंक में इनका मैच बिल्कुल क्लियर तरीके से खत्म हो जाए काफ़ी मुश्किल है, और गाइस ये ब्लड लाइन का जो टूटना का स्टार्ट हुआ है ना गाइस काफ़ी लंबी जाने वाली है, आप ये बात मान के चलो कि ब्लड लाइन इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाएगी गाइस, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी रोमन रेंज का कोई काफ़ी अच्छा वाला कोई कॉम्पिटिटर और कोई अपोनेंट दिख नहीं रहा है आसपास, और समर स्लैम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और उनका इतना अच्छा बिल्डअप भी नहीं हो पाएगा। और गाइस जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का जो बिल्डअप है ना गाइस पिछले 2-3 सालों से चल रहा है, तो गाइस इसका तो बिल्कुल ओपी लेवल का बिल्डअप है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कौन उनका नेक्स्ट अपोनेंट रहेगा समर स्लैम में। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।